हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानीज किचन। आज मैं आपसे बहुत ही क्विक और इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं गाजर का पराठा की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने गाजर की हलवे की रेसिपी का लिंक डाल रखा है, उसका लिंक आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूलें। तो एक बाउल लेंगे, इसमें एक सफेद मलमल का कपड़ा रख देंगे। ये गाजर गाजर हमने बहुत ही बारीक कद्दूकस कर लिया है। 1 कप 2 कप गाजर लेंगे कद्दूकस। अब इसको यूं पकड़ेंगे, उसको दबा के हाथों से गाजर के अंदर जितना पानी होगा या जूस गाजर का वो हम निकाल लेंगे। इतना गाजर का जूस निकला है, इसको हम अभी यूज करेंगे। अब इसको एक बाउल में पलट लेंगे और एक साइड से हम रख देंगे। अब इस बाउल में हम 2 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। वन फोर टीस्पून नमक, इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो हम बना लेंगे। अब आटे को हमने गूंद लिया है, इसको 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। अब हम फिलिंग बनाएंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा टुकड़ा कटा हुआ अदरक का चॉप, 3 कटी हुई हरी मिर्च बारीक, कटा हरा धनिया, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/2 स्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथों में लेंगे, यू रब करेंगे हथेली से, फिर इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 स्पून तेल। अब सबको डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आटे में डस्ट करेंगे हाथों को। उसके बाद एक पराठे की साइज के, जितने बड़े साइज की आपको पराठा चाहिए उतना बड़ा रोल बना लें। फिर डस्ट करेंगे एक बार। अब इसको हथेलियों की मदद से यूं आप गोल गोल सी ऐसे घुमाते हुए कटोरी बना लें, कटोरी शेप में। दो से 3 स्पून फिलिंग इसमें हम भर लेंगे ऐसे दबा के। उसके बाद हाथों से यूं साइड से प्रेस करेंगे, इसको घुमाएंगे, फिर दबाएंगे एक बार। घुमाते हुए इसको हम बंद करेंगे। फिर यूं ऐसे प्रेस कर देंगे। फिर से एक बार इसको हम डस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बार फिर से यूं ऐसे हम घुमा लेंगे। फिर जितने बड़े साइज की पराठा चाहिए उतना बड़ा हम बेल लेंगे। इतनी बड़ी साइज का, जितनी बड़ी साइज को आपको चाहिए उतनी बड़ी पराठा बना लें। ये हमने बना लिया। तवे पे पराठे को डाल देंगे। अब इसको हम पलट लेंगे एक साइड से। अब इस पे हम लगाएंगे देसी घी। पराठे को आप गर्मा गर्म बनाए और सीधे खाने वाले की प्लेट में जाए तो ही पराठा का असली मजा आता है।
तो अब दूसरे साइड से भी हमने पलट लिया है, इधर साइड से भी घी लगा लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे क्रंची बनाएंगे हम। अब इसको हम दूसरी साइड से पलट लेंगे, ये देखिए। अब ऐसे इसको नीचे से भी गोल्डन कर लेंगे। पराठा हमारा दोनों साइड से गोल्डन हो चुका है। दोस्तों इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपने फोटोज और वीडियोस मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फिर एक और सिंपल टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।